सबके लिए नहीं होता। ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए है, बोला जो यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं सबको विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण करना चाहिए, और गृहस्थाश्रम के अधिकारी भी सब हैं। पर ये संन्यास का जो मामला है ये वोट वाला नहीं है कि आओ तुम भी हमारे पंथ में आओ, आओ तुम भी हमारे पंथ में आओ, आओ कपड़े रंग दें अपना पंथ बढ़ा लें, इसके लिए संन्यासाश्रम नहीं है। इसके साथ तो एक अधिकार का प्रश्न जुड़ा हुआ है। हमारे मनीषी ने ये नहीं कहा कि तुम भी आओ हमारे पंथ में, है ना, हम तुमको अपने मजहब में दाखिल करते हैं, ऐसा नहीं। दुनिया भर के सब मजहबी लोग अपना अपना मजहब पढ़ाते हैं, परंतु यदि दुनिया में एक भी सच्चा सन्यासी हो और उसके पक्ष में दुनिया का एक भी वोट न हो, तब भी जो उसकी अनुभूति है, उसकी निष्ठा है, उसको विचलित करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश आके बोले कि महात्मा जी तुम ब्रह्म नहीं हो, वो साफ कह देगा कि तुम लोग स्वप्न पुरुषवत भासमान हो, तुम्हारे कहने बोलने का कोई अर्थ नहीं है, अपना स्वरूप तो जैसा जो करता। ये लोग जो खुदरा माल मन में निष्ठा नहीं, श्रवण विधि पूर्वक नहीं, मनन पूरा नहीं, विपर्य घेरे हुए हैं, वो क्या कभी सन्यास की छाया छू सकते हैं? तो सन्यास का अर्थ क्या है? त्याग, सन्यास लक्षण। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि त्याग क्या है, तो उन्होंने उसका त्याग उत्तर दिया कि सन्यास ही त्याग है, त्याग का लक्षण सन्यास। आज जब धर्म पर लोगों की आस्था नहीं है, आश्रम पर आस्था नहीं है, वैदिक धर्म पर आस्था नहीं है, भारतीय संस्कृति पर आस्था नहीं है, तब सन्यास के बारे में चाहे जो कोई जो कुछ बोल ले, धर्म का जो दृष्टिकोण है आपने सुना नहीं होगा, दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे, दंडक ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब लोग दंड ग्रहण करें। त्याग असल में क्या है? त्याग है दुख का, त्याग है जड़ता का, अज्ञान का, त्याग है जन्म और मृत्यु का। संन्यास का अर्थ क्या है? अपना स्वरूप है आनंद, उसमें जो दुख मालूम पड़ता है ना, और या तो ये स्वतंत्रता चाहे मालूम हो ना हो, बहुतों को मालूम होगी बहुतों को नहीं मालूम होगी, जब तक मैं दुखी हूँ ये अभिमान आप नहीं करेंगे, स्वीकृति दुख को नहीं देंगे, तब तक आपको दुख छू नहीं सकता। दुख आभास भास से नहीं है, घड़े घड़े की तरह कोई पदार्थ नहीं है, दुख साक्षी भास से है। परंतु जब साक्षी आभास से तादात्म्य कर लेता है तब मैं दुखी हूँ ये अनुभव करता है, इसलिए मैं दुखी हूँ ये है भ्रम।
ये भ्रम है। आभास में जो मैं दुखी हूँ इत्याकारक अभिमान है, उस अभिमान के साथ तादात्म्य कर नहीं, ये भ्रम है, ये अविवेक है, ये अविद्या है। इसलिए जैसे रूमाल आपको आंख से दिख रही है या हाथ से उठाई जा रही है, इस तरह से आपको दुख कभी दिख नहीं सकता। वो तो दुख के निमित्त में एकदम दुखम ऐसा अभ्यास किया जाता है, और दुखी जो आभास है उसको साक्षी अपने से एक समझकर अपने में दुखी बने का अनुभव करता है। इसका अर्थ है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं इसके मामले में। ये ज्ञान आपको केवल वेदांत दे सकता है कि आप दुखी होने न होने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप अपने को मैं दुखी हूँ ऐसा कभी स्वीकार मत कीजिए, इसका त्याग कीजिए। इसका नाम संन्यास है। मैं दुखी हूँ इसका परित्याग कर दीजिए, और मैं कर्मेंद्रिय से युक्त होकर करता हूँ, पापी पुण्य आत्मा हूँ। मैं ज्ञानेंद्रिय से युक्त होकर भिन्न भिन्न घटपट आदि विषयों का, शब्द स्पर्श आदि का ज्ञाता हूँ। नारायण, ये ज्ञातापना और ये कर्तापना, ये भी आभास भाव से नहीं है, ये भी साक्षी भाव से है। ये भी किसी को पापीपना पुण्यात्मापना दिखाई थोड़ी पड़ता है, ज्ञातापना दिखाई थोड़ी पड़ता है तो मान बैठता है। तो संन्यास का अर्थ क्या है कि आप अपने को दुखी मत मानिए, सुखी मत मानिए एक, और आप अपने को कर्ता और ज्ञाता मत मानिए, भोक्ता कर्ता ज्ञाता। और तीसरी बात क्या है, आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, आप कर्मेंद्रिय की उपाधि से अपने को कर्ता क्यों मानते हैं, आप ज्ञानेंद्रिय की उपाधि से अपने को ज्ञाता क्यों मानते हैं, आप मन की उपाधि से अपने को भोक्ता क्यों मानते हैं, मत मानिए। अब तीसरी बात क्या है कि असल में न आपका जन्म होता और न मृत्यु होती, क्योंकि क्या आप जन्म और मरण को देखते हैं? आज तक दुनिया में कोई अनुभवी पुरुष ऐसा क्या हो सकता है जिसने अपने को मरता हुआ देखा हो और अपने को जन्मता हुआ देखा हो? क्योंकि जो देख रहा है वो जन्म और मरण का साक्षी है। जो देखता है वो तो जन्मता और मरता नहीं, और जो जन्मता और मरता हुआ दिखता है वो कोई अन्य है, वो तो कोई अन्य भास रहा है, स्वप्नवत, बिल्कुल स्वप्नवत प्रतिभास हो रहा है। तो तुम हो सन्मात्र। अब ये कहो कि हम बड़े जोर से बल लगा के हम सुन के आए हैं व्याख्यान, और हम कह रहे हैं कि हम दुखी सुखी नहीं हैं, हम कर्ता ज्ञाता नहीं हैं, हम जन्म मरण वाले नहीं हैं, केवल निषेध करके हम विजयी हो जाएंगे, तो ये लड़ाई आपकी जिंदगी भर चलेगी और आप विजयी नहीं हो सकते। ये जो लोग कहते हैं ना केवल इनकार कर देने से काम बन जाएगा, केवल स्वीकृति मिटा देने से काम बन जाएगा, तो उनका बिल्कुल गलत है वो, है ना। जो लोग कहते हैं कि अज्ञान को जान लो तो अज्ञान मिट जाएगा, वो जानते नहीं कि अज्ञान क्या होता है। असल में अपना जो स्वरूप है, भोक्तापन से न्यारा, कर्तापन से न्यारा, ज्ञातापन से न्यारा, जन्म मरण से न्यारा, उस स्वरूप को जब अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जानेंगे, माने अधिष्ठान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। यदि कोई कहे कि नहीं हम तो अज्ञान ही बोलेंगे, तो कह दो बाबा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अज्ञान ही बोलो, लेकिन आश्रय विषय सहित अज्ञान के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। माने जिसके विषय में अज्ञान है, ब्रह्मता के विषय में, और जिस आत्मा में मैं अज्ञ हूं ये अनुभूति हो रही है, उस अज्ञो हम इस अनुभव का आधार और अज्ञता का विषय ब्रह्म, दोनों की एकता के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। माने अज्ञान किसको है और किसके बारे में है, उसके सहित अज्ञान को जानिए, तब अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो संन्यास क्या है, अब मुख्य संन्यास देखो।
गौण सन्यास नहीं, व्यावहारिक सन्यास दूसरा है। असली सन्यास ये है कि हमको न सुख दुख है और न कर्म ज्ञान है न वृत्ति ज्ञान है, अखंड अपने आप में सब फुर रहा है, न जन्म है न मरण है। अपने आत्मा की अद्वितीयता का जो बोध है, एक और आपको इस अद्वितीयता के बोध से, क्योंकि सन्यास की बात आ गई तो न द्वितीयम अद्वितीयम ये समास नहीं होता। ये नए तत्पुरुष जो है ये अद्वितीयम शब्द में नहीं है। नास्ति द्वितीयम यस्मात् तत् अद्वितीयम, जिसकी अपेक्षा से दूसरा नहीं है उसको अद्वितीय कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखो उसी श्रुति में जब बोल दिया अस्थूलम अनन, तो न स्थूलम अस्थूलम ये अर्थ करें कि नहीं ये अर्थ मत करो, जो स्थूल नहीं है उसका नाम अस्थूल। बोले जब स्थूल नहीं है ये बात कहेंगे तो अणु की प्राप्ति होगी ना, तो श्रुति कहती है अनणु, न अणु अनणु अनणु। तो जब स्थूलता और अणुता दोनों का निषेध करती है श्रुति, तो अणु नहीं है तो स्थूल होगा और स्थूल नहीं है तो अणु होगा। लेकिन ये तो नए तत्पुरुष को बिल्कुल चौपट कर देती है, जो न जिसमें न अणु है और न जिसमें स्थूल है, अर्थात स्थूलता और अणुता और द्वैत से विलक्षण अपना अपना अखंड स्वरूप है। तो असली संन्यास क्या है? असली संन्यास ये है कि अपने स्वरूप को ब्रह्म जान करके ये जो द्वैत का त्याग है ये तो है मुख्य संन्यास। और गौण संन्यास क्या है? गौण संन्यास है ब्रह्मवत प्रकृति। जैसे ब्रह्म अद्वैत है वैसे सन्यासी भी अद्वैत रहे, अकेला रहे, है ना। जैसे ब्रह्म निरावरण है वैसे सन्यासी भी निरावरण रहे। जैसे ब्रह्म तटस्थ है वो सबसे तटस्थ रहे। जैसे ब्रह्म कूटस्थ है वैसे वो भी कूटस्थ रहे। जैसे ब्रह्म साक्षी है वैसे वो भी साक्षी रहे। तो सन्यास धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मवत प्रकृति के ज्ञान से। ये है धर्म का, सन्यास धर्म का मूलभूत दृष्टिकोण। अब हमको महापुरुषों ने बताया कि सन्यास माने क्या। अब ऐसा सन्यास बताता हूँ जिसको आप लोग भी, है ना, काले कपड़े में सफेद कपड़े में रहते हुए जिसको धारण कर सकें वो सन्यास। सन्यास माने अंतर्दृष्टि, क्योंकि अब फिर से बात आती है मन में तो वही आती है। असल में आप त्याग किसका कर सकते हैं? कि किसी भी स्थान में, किसी भी स्थान में माने ये मठ मंदिर और किसी भी व्यक्ति में हो, ये परिवार और मंडली, और किसी भी वस्तु में, दंड कमंडलू में भी, कौपीन में भी है। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपीनत्वे भी दुर्लभम, कौपीनत्वे कौपीनवत्वे भी दुर्लभा। तो ये जो अंतर्दृष्टि है जिसमें किसी स्थान से, प्रांत से, राष्ट्र से, बोला मठ से, मंदिर से, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, और किसी भी बस जहाँ संबंध नहीं है, प्रज्वलित अंतर्दृष्टि की अग्नि प्रज्वलित है स्थान से, वस्तु से, व्यक्ति से, जहाँ कोई संबंध नहीं है, जहाँ काल की दाल नहीं गलती है, वो अंतर्दृष्टि यदि आपको प्राप्त हो गई तो सच्चा संन्यास प्राप्त हो गया। सच्चा संन्यास का अर्थ ये होता है चलता फिरता हुआ व्यावहारिक ईश्वर का नाम है सन्यासी, बोला नरो नारायण हो गए, व्यावहारिक ईश्वर का नाम है सन्यासी, और सन्यासी के पारमार्थिक स्वरूप का नाम है ब्रह्म। तो इसके और यदि ये बात नहीं समझते तो सन्यास का अर्थ नहीं समझते। और एक बात ये भी है कि ये वोट बढ़ाने के लिए, जन जन में प्रचार करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके अधिकारी तैयार हुए,
जितनी जितनी वासना का नाश होगा उतने उतना अधिकार की उत्पत्ति होगी, मल दोष की निवृत्ति जो है वो सब सर्वापेक्षा आवश्यक है। योग से विक्षेप की निवृत्ति क्षण भर में, आंख की पुतली स्थिर करो विक्षेप नहीं, नाखून दबा दो विक्षेप नहीं, और विपर्जय की निवृत्ति होगी आवरण भंग होने से, वो तो एक डंके की चोट है ना, एक चोट में आवरण भंग हो जाए। पर ये बात है कि किसी किसी के मन में ये शंका हो जाए कि ये मल की निवृत्ति कैसे होते हैं, तो हम इसके बारे में भी आपको ये बात बता देते हैं कि आप इस आश्वासन को प्राप्त करने में मत लगिए कि हमारा मल हमेशा के लिए निवृत्त हो गया कि नहीं। जैसे आप शौच जाते हैं और पेट आपका बिल्कुल खाली हो जाता है और आपका शरीर हल्का मालूम पड़ता है और बैठ के पूजा पाठ करते हैं, है ना, ऐसी आपके मन में जो मैल भरी है उसको आप थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, 6 मिनट के लिए निकाल दीजिए, 6 घंटे के लिए निकाल दीजिए, 6 दिन के लिए निकाल दीजिए, 6 महीने के लिए निकाल दीजिए। कहीं भी वेदांत में ये शर्त नहीं है कि जब हमेशा के लिए मल निकल जाएगा तब तत्व ज्ञान होगा। ये खुली सभा में ये बात बोलता हूँ, कोई भी विद्वान ये बात बता दे कि कितने दिनों के लिए जब मल की निवृत्ति हो जाएगी तब ज्ञान होगा। अरे बाबा देखो, तुम सिनेमा में नहीं गए हो, यहाँ आके बैठे हो, इसका नाम विवेक है कि नहीं है? दुकान पर व्यापार नहीं कर रहे हो, यहाँ आके बैठे हो, इसका नाम वैराग्य है कि नहीं? आपके मन में श्रम का अनुभव हो रहा है कि नहीं? इंद्रियों को आपने दमन किया है कि नहीं? ये नीचे बैठने की जो तितिक्षा है वो आपके जीवन में है कि नहीं? कर्मों से आप उपराम होकर के यहाँ बैठे हो कि नहीं? और मन को एकाग्र करके श्रद्धा से श्रवण कर रहे हो कि नहीं? और आपके मन में दुख से छूटने की इच्छा है कि नहीं? इस समय आप यहाँ बैठे हैं, है ना, विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति और मुमुक्षा लेकर बैठे हैं। यदि आपके मन में सचमुच जिज्ञासा हो, यदि आपके मन में सचमुच जिज्ञासा हो तो यही बैठे बैठे आपको तत्व ज्ञान हो सकता है और आप हमेशा के लिए दुख से निवृत्त हो सकते हैं, दुख से ऊपर उठ सकते हैं यही बैठे बैठे। बाबा हम हजारों 50-50 हजार आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ हम ये बात सुना देते हैं कि देखो तुम हमारे साथ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग मत बोलना, आपको संकोच हो तो मत बोलना, लेकिन मैंने सुना दिया, समझो मैंने सुना दिया, आपने नहीं बोला और मैंने सुना दिया। आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कान तो खुले हैं ईश्वर की कृपा से, और यदि कोई बहरे होंगे तो हमारा मुंह हिलता, उन्होंने अपनी आंख से देखा होगा। अब मैं शर्त क्या कहता हूं कि आपने आज तक जितने पाप किए हैं, ईश्वर का नाम लेकर बोलता हूँ, वेद का नाम बोलता हूँ, शास्त्र पुराण का नाम लेकर बोलता हूँ, आज तक आपने जितने पाप किए हैं वे सारे के सारे पाप ध्वस्त हो गए, मर गए सारे के सारे पाप, आप पापों से मुक्त हो गए। अच्छा, हम कहते हैं हम नहीं मानते, कहा अच्छा नहीं मानते तब भी हो गए, लो अच्छा नहीं मानते तब भी हो गए, पर एक शर्त है, उनको फिर जिंदा मत करना। वो जिंदा होंगे कब, जब तुम फिर से करोगे तब, है ना, जब फिर पाप करोगे तब ये जिंदा हो जाएंगे, है ना। आज तक के पाप एक बार राम नाम के उच्चारण से बिल्कुल भग, लेकिन जितनी शक्ति राम नाम में है ना उतनी शक्ति वेदांत के महावाक्य में है। आप भले अनादिकाल से अब तक, अनादिकाल से अब तक अविद्या के चक्कर में पड़कर अपने को जन्म मरण वाला जड़ शरीर और दुखी मानते रहे हो, महावाक्य के एक बार के श्रवण में जैसे सोते हुए आदमी को बुलावे मोहन उठ और उसकी नींद टूट जाए, इस प्रकार इस महावाक्य के एक बार के उच्चारण में वो सामर्थ्य है कि आपकी अनादि अविद्या को नष्ट कर सकता है। और आप अभी से, है ना, अभी अभी, है ना, क्योंकि असल में पहले अगर आप बंधन में होते तो इस समय हमारे छुड़ाने से छूटते नहीं, असल में आप बंधन में कभी है नहीं, मान ही बंधन में आए, अपने स्वरूप के अज्ञान से आपने अपने को बद्ध माना है। तो नारायण एक बार का ये उच्चारण आपके समग्र बंधन को काटने में समर्थ है,
आपके अंदर इस समय सारी साधन सामग्री अंतकरण को शुद्ध करने वाली मौजूद है, परंतु परोक्ष ज्ञान को अश्रद्धा रोक रही है और अपरोक्ष ज्ञान को अविचार रोक रहा है। परोक्ष ज्ञान अश्रद्धा प्रतिबधनाति नेतरत। अब यदि आप बारंबार श्रवण करेंगे तो ये अश्रद्धा रूप प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाएगी, और संशय रूप प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है, विपर्यय रूप प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए निधि ध्यान करना पड़ता है। और नहीं तो देखो, आपको यदि आपको साधन करना है तो आप अपने में जो दोष है उनको देखिए और उनको दूर करने के लिए साधन कीजिए, और यदि आप अपनी निष्ठा में दृढ़ हो जाना चाहते हैं तो अपने दोषों को मत देखिए, तृप्ति का अनुभव कीजिए। धन्यो हम धन्यो हम श्रृण्वन्त्वज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् श्रृणोम्यहम् मन्यन्ताम् संशयापन्नाः किं मन्येऽहम् संशयः विपर्यस्तो निदिध्यासे किं ध्यानम् अविपर्ययात् देहात्मत्व विपर्यासम् न कदाचित् भजाम्यहम्। और जो अज्ञानी है वो श्रवण करें, जो संशयालु है वो मनन करें, जो विपर्यय ग्रस्त है वो निदिध्यासन करें। न हमारे अज्ञान है, न संशय है, न विपर्यय है, यहाँ तक कि देह वाग बुद्धि अत्यक्ता ज्ञानिनानृत बुद्धितः कर्मी प्रवर्तयत्वाभिर् ज्ञानिनो हीयते त्रकम् यम कर्मी न विजानाति साक्षिणम् तस्य तत्त्ववित् आत्मत्वं बुद्धताम् तेन ज्ञानिनो हीयते त्रकम् एवञ्च कलह कुत्र संभवेत् कर्मिणो मम विभिन्न विषयत्वेन पूर्वापर समुद्रवत। देह को, वाणी को, अंतकरण को मिथ्या दृष्टि से जिसने छोड़ दिया है, हैं? कर्मी यदि उसके द्वारा कर्म करता है तो इससे ज्ञानी का क्या नुकसान है, और जिसको कर्मी जानते ही नहीं है कि साक्षी ब्रह्म क्या होता है, साक्षी क्या होता है, वो यदि साक्षी को ब्रह्म बोलता है तो इसमें कर्मी का क्या नुकसान है, हैं? साक्षी को ब्रह्म कहने का व्यवहार है ज्ञानी का, और देह से, वाणी से, बुद्धि वृत्ति से व्यवहार है अज्ञानी का। अज्ञानी अपने व्यवहार में स्थित रहे, ज्ञानी अपने व्यवहार में स्थित रहे, दोनों में मतभेद ही कहाँ है। एवं चौकलह कुत्र संभवेत कर्मिणो मम, कर्मी के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। बाबा तुम चाहे यज्ञ जागादि का अनुष्ठान करो, चाहे जनता की सेवा करो, है ना, चाहे चुनाव लड़ो, क्या हमारा मतलब है ना नारायण। और चाहे तो विष्णु ध्यायत धीरजदवा ब्रह्मानंदे निमज्जताम, भगवान का ध्यान करो, हमारी क्या लड़ाई है, है? क्या लड़ाई है का तुम योगाभ्यास करो नारायण, जाओ समाधि में मग्न हो जाओ, हमारा क्या बिगड़ता है ना। जहाँ तुम अपनी परिच्छिन्नता को लेकर के अलग बैठे हुए हो और तुम्हारा साधन साध्य सारा तुम्हारी परिच्छिन्नता के आधार पर है, तुम्हारी पूछ बना हुआ है, कि वहाँ हम तुमसे क्या बोल सकते हैं। तो जिसको ज्ञानी ने छोड़ दिया है उसको अज्ञानी पकड़े हुए है, और जिसको अज्ञानी नहीं जानता है उसको ज्ञानी ब्रह्म बोलता है। तो संन्यास माने असली संन्यास यही है कि अपने स्वरूप को अनंत अद्वय प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म जान करके, ये जो अज्ञान का परित्याग है वही सच्चा सन्यास है। तो सन्यास माने आश्रम मर्यादा के अनुसार दंड होता है, कमंडलू होता है, काषाय वस्त्र होता है, और वो भी योग्य अधिकारी के लिए होता है, वो भी खड़िया पलटन बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए नारायण हमारे दंडी स्वामियों में तो परंपरा ही बड़ी विलक्षण है सन्यास की। वो तो अब आज तो वहाँ भी संख्या बढ़ाने की बात आती है नारायण, का वहाँ भी रसोई महाराज है ना, जो रसोई महाराज होते हैं प्रायः वो बुढ़ापे में दंड लेके सन्यासी हो जाते हैं। तो वो कर्म सन्यास है, क्रम सन्यास है, आश्रमोचित सन्यास है, कुछ है ना, उसकी बात हम नहीं करते हैं। परंतु सच्चा सन्यास यही है कि अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो और उसका वेश नहीं, भूषा नहीं, मजाब नहीं, न जते आश्रम प्रायो धर्म हेतु महात्मना, कभी ये आश्रम कोई मजहब नहीं है। ओम शांति शांति शांति।